सरकार रोजगार तो किसी को दे नहीं रही है, तो रोजगार किसी से छीनने का भी अधिकार नहीं है। दो साल से लॉकडाउन में हम लोग फंसे हुए थे, हम लोग का नौकरी खत्म हो गया था, हम लोग के पास खाने का कुछ नहीं था, अभी हम लोग को नौकरी मिला है, तो अब आप लोग बोलिएगा कि बंद कर दीजिए तो हम लोग कहाँ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जेएन भारत। राजधानी रांची के अपर बाजार में 17 दुकानों को सील करने पहुंची नगर निगम की टीम का जमकर विरोध हो रहा है। दुकानदार अपनी दुकानों को बंद कर सड़क पर उतर गए हैं, जिसके कारण सीलिंग का कार्य शुरू नहीं हुआ है। वहीं अब दुकानदारों का साथ देने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पहुँचे। सरकार को चाहिए, कॉरपोरेशन को चाहिए कि जब मामला न्यायालय में है और जैसा कि बताया गया कि न्यायालय के एक रीट के माध्यम से इस तरह का आदेश नगर निगम ने दी है, तभी मैं नगर निगम के नगर आयुक्त से बात की, जब मामला न्यायालय में है तो आप सील करने आपको यहाँ नहीं आने चाहिए, न्यायालय का जजमेंट का इंतजार करना चाहिए। न्यायालय जो भी जजमेंट देगा, हम लोग कानून का पालन करने वाले लोग हैं, तब तक इसको स्थगित रखें। और नगर आयुक्त ने आश्वस्त किया है कि न्यायालय के आदेशानुसार ही नगर निगम आगे की कोई कार्रवाई करेगी। इसलिए मैं समस्त लोगों से अपील करूंगा कि हम सबको न्यायालय का इंतजार करना चाहिए, तब तक कोई दुकान सील नहीं होगा। सर, काफी इसलिए दुकानदार सब, जितने भाई बहन आप लोग हैं, सबसे अपील है कि अपना आंदोलन को स्थगित करते हुए सरकार, नगर निगम भी न्यायालय का पालन करे, जनता भी कानून का पालन करे, और जनता हमेशा कानून का पालन करती है। और सरकार से मेरा एक आग्रह होगा कि पुरानी शहर को वन टाइम्स फाइन लेकर इसको रेगुलराइज करने के लिए एक्ट बनाए, ताकि बार बार का इस तरह का झमेला यहाँ ना हो। ये सरकार से मेरी अपील है। राजधानी रांची के अपर बाजार में 17 दुकानों को सील करने पहुंची नगर निगम की टीम का जमकर विरोध हो रहा है। दुकानदार अपनी दुकानों को बंद कर सड़क पर उतर गए हैं, जिसके कारण सीलिंग का कार्य शुरू नहीं हुआ है। 17 दुकानों को सील करने के नोटिस को लेकर अपर बाजार के व्यापारी व चैंबर नाराज हैं। नगर निगम की टीम के विरोध में मेयर, डिप्टी मेयर के साथ चैंबर के अधिकारी भी सड़क पर उतरे हैं। दुकानदारों ने जगह जगह की बैरिकेडिंग की है। महिलाएं भी सड़क पर विरोध में उतर गई है। नगर निगम हाय हाय का नारा लगा रहा है। मालूम हो कि नगर निगम ने दुकानों को खाली करने का जो 72 घंटे का समय दिया था, वह सोमवार को पूरा हो गया। इसके बाद नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने अफसरों को निर्देश दिया कि मंगलवार सुबह 10 बजे से ही दुकानों को सील करने की कार्रवाई करें। इसके लिए मजिस्ट्रेट और फोर्स की ड्यूटी भी लगाई गई है। वहीं मौके पर महुआ मांझी भी पहुंची। उन्होंने भी कहा कि नगर निगम कोई रास्ता निकाले जिससे दुकान सील ना हो। सरकार उजाड़ नहीं रही है, सरकार निश्चित रूप से इसमें विचार कर रही है और बहुत जल्द ये तमाम समस्याएं हल हो जाएंगी, क्योंकि ये अपर बाजार का मामला है, आज का नहीं है, पिछली सरकारों का मामला है। आप सबको पता होगा कई साल पहले यहाँ पर हाईकोर्ट का ऑर्डर आया था और के बाद भी उस समय अगर पिछली सरकार चाहती तो अभी तक कोई रास्ता निकाल के इसका समाधान कर चुके हैं। नियमितीकरण उस समय तक हो गया होता तो आज ये नौबत नहीं आती, और जब जब हाईकोर्ट का कुछ भी आदेश आया उस समय इसको सिर्फ रोक दिया गया और टाल दिया गया। अगर नहीं टाल कर उस समय समाधान निकाला जाता तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आज ऐसी स्थिति कभी नहीं आती। पर अभी इसीलिए मैं अपनी सरकार से अपील करती हूँ कि किसी भी तरह से नहीं बैठ कर कुछ ऐसा फाइन वगैरह लेकर इन वालों को नियमित कर दिया जाए, क्योंकि ये दुकानदार हमेशा भय से जी रहे कि आज अगर रुक भी जाए तो कल क्या होगा। इस तरह का एक वातावरण है। हम चाहते हैं कि गरीब मजदूर भाई बहन लोग जो यहाँ काम करते हैं उनका भी परिवार से चलता है, वो भी डरे डरे से रहते हैं, बसाया जाए बचाया जाए। और ये सारे सवाल 70-80-90 साल पुराने थे, जिस समय कोई ऐसा नियम नहीं था नगर निगम का, इसलिए वो जैसे तैसे बने हैं। कई बड़े शहरों में ऐसा है, उनको न तोड़कर व्यवस्था की जाए और हमारे मजदूर भाइयों को दुकानदारों को
खुले दिल से यहाँ काम कर रहे हैं। नगर निगम का कुछ नहीं, एक अधिकारी का उनका एक सोच है, उनकी एक तो जिद है, उसके चलते में इतना बड़ा हंगामा हो रहा है। बताइए, जो लोग यहाँ 50-100 साल से बसे हुए हैं, क्या इन 17 दुकानों को सील करके या उनको तोड़ करके क्या आप रांची को सुव्यवस्थित कर पाएंगे? ऐसे तो तोड़ने लगेंगे, रांची पूरा का पूरा टूट के खंडर हो जाएगा। तो इस ये कोई एक वो नहीं है, रांची को आपको सुधारने का एक कार्य दिया गया, आप नगर निगम के आप CEO हैं, तो आप रांची को सुधारिए ना कि इसको उजाड़ने का काम करिए। बहुत सारे बिल्डिंग जो देखने को मिलते हैं वो ब्रिटिश काल का लगता है, 20 साल का बना हुआ है। उस वक्त तो नगर निगम भी नहीं था, उस समय नक्शा भी नहीं पास होता था, RRDA भी नहीं था उस समय। अब पुरानी बनी बिल्डिंगों को आप रेगुलराइज करेंगे कि तोड़ेंगे? ये तोड़ने उसका कोई सॉल्यूशन तो हो नहीं सकता। आप कितने मकानों को तोड़ेंगे? रांची में 2 लाख अवैध निर्माण भवन है, क्या आप सबको तोड़ देंगे? तो ऐसा नहीं हो सकता है। उनको ये समझना चाहिए और सरकार से हम आग्रह करते हैं मुख्यमंत्री जी से कि भाई आप इसको एक संज्ञान लीजिए और ऐसे अफसर को हटाइए और इसको सुव्यवस्थित करने का काम करवाइए। कितना दुकानों का? अभी तो 17 दुकानों को नोटिस है, ऐसे कम से कम 800-900 नोटिसेस गए हैं। तो आप क्यों नहीं सबको साथ में तोड़ दे? आप सबको साथ में ही तोड़ दीजिए, एक बार में काम ही खत्म कर दीजिए। अब कम से कम आप ये समझ लीजिए कि आज देख लीजिए यहाँ 2000 लोग होंगे, सब अपर बाजार को अगर मिला लेंगे तो कम से कम 20,000 लोग यहाँ पे काम, 20 से 25,000, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से ज़्यादा लोग यहाँ काम करते हैं। सरकार खुद तो नौकरी देती नहीं है और जो हमारे व्यापारी बंधु जो नौकरी दे रहे हैं उनको ये उजाड़ने का काम कर रहे हैं। हाईकोर्ट में अभी हियरिंग चल रही है, हाईकोर्ट से भी थोड़ी देर में उम्मीद है आदेश आ जाएगा वहाँ से। धीरज तनेजा, मैं फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट हूँ। लाखों के लोग में बेरोजगार हो जाएगा, रोजगार हट जाएगा, कौन देगी? सरकार देगी, गवर्नमेंट देगी या जज देगी? ऐसा कानून जिससे लाखों लोग बेरोजगार हो जाए, सरकार रोजगार तो किसी को दे नहीं रही है, तो रोजगार किसी से छीनने का भी अधिकार नहीं, वैसा कानून को काला कानून कहते हैं, जिससे बहुत लोग भूखे मर जाए। ऐसे भी लोग सब परेशान है कोरोना काल में, किसी के खाने के लिए लोग तरस गया, मजदूर आदमी है, इन लोग के पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है कि 1 तारीख को तनख्वाह आ जाए। इन लोग काम करता है तो पैसा मिलता है, काम नहीं करता तो पैसा नहीं मिलता। और आज जब थोड़ा सा स्थिति सुधार हुआ है, जिसको थोड़ा सा कुछ लोग काम करना चाह रहा है, उसमें भी जो सरकार है कि नगर निगम के जो ठप्पा लगा के कि नहीं ये बिल्डिंग पुराना है, ये भी बिल्डिंग में नगर निगम के अधीन है। अरे कब का अधीन है आपको पता होना चाहिए ना, कब का अधीन है? जितना भी बिल्डिंग बना है मेरे नजर जितना हमको ज्ञान है सब ब्रिटिश सरकार के राज में बना है। 2 साल से लॉकडाउन में हम लोग फंसे हुए थे, हम लोग का नौकरी खत्म हो गया था, हम लोग के पास खाने का कुछ नहीं था, अभी हम लोग को नौकरी मिला है, तो अब आप लोग बोलिएगा कि बंद कर दीजिए तो हम लोग कहाँ जाएंगे? बताइए क्या करती है आप? हम कपड़ा दुकान में काम करते हैं सर, बताइए काम करती है जी, क्या चाहती है? हम चाहते हैं कि हमारा दुकान खुले, हम लोग का रोजी रोटी चले, तभी तो हम लोग जिएंगे ना, और बाल बच्चा का भविष्य बनाएंगे। तो कहाँ जाएंगे हम लोग बताइए? देखिए हम लोग कितने लड़के पढ़ने वाले भी स्टूडेंट, पढ़ना प्लस काम करना, क्या सरकार देगी हम लोग को 10,000 रुपया महीना क्या सरकार देगी? अगर ये सील जब तक नहीं हटेगा, ये वापस नहीं होगा, तब तक हम लोग यहीं रहेंगे, धारणा यहीं पे बैठे ही रहेंगे। कॉस्मेटिक का दुकान है, तो आपको भी नोटिस मिला है? हाँ, हम लोग को भी नोटिस मिला है। क्या कहा गया? 72 घंटा का टाइम दिया गया था हम लोग को, तो उसी के विरोध में हम लोग बैठे हैं। हम लोग का भी रोजी रोटी है, अगर चल जाएगा, छोटा छोटा बच्चा, हम लोग दिन भर काम करते हैं, कभी कोरोना से परेशान, कभी ये 72 घंटा का नोटिस से परेशान, आदमी क्या करे बताइए? ऐसे में जाए तो जहाँ कहाँ जाए, छोटा छोटा बाल बच्चा लेके आदमी जॉब करने निकला है घर से। सरकार यहाँ से हटा दिया जाता तो सरकार हम लोग को काम देगी? हम लोग अगर गारंटी लेवे तो देवे नोटिस, वरना नोटिस वापिस लेवे। नगर आयुक्त के फैसले से अगर मैं संतुष्ट होती तो मैं यहाँ नहीं होती। मैं यही कहना चाहूंगी कि नगर विकास और नगर निगम को था कि जितने भी बिल्डिंग है उसके रेगुलाइज के लिए एक नियमावली बनती, जिससे कि ये सारी महिलाएं या जितने भी बेरोजगार दिखाई दे रहे हैं उनको रोड पे नहीं उतरना पड़ता, इसके लिए उन्हें प्रयास करना चाहिए। देखिए अगर नगर आयुक्त का फैसला सही होता भाई साहब, तो मैं और इतने सारे बेरोजगार लोग यहाँ पर नहीं होते। मैं फिर से यही कहना चाहती हूँ, उनके फैसले के विरोध में ही हम लोग यहाँ बैठे हुए।
हुए हैं। आज जब इतने सारे लोगों की रोजी रोटी का साधन इससे बाजार से हो रहा है तो चाहिए था कि इस मार्केट को सुव्यवस्थित कैसे बने, उसके लिए उनके उन्हें नियम बनाना चाहिए, ना कि उन्हें उजाड़ने के लिए। तो इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि सरकार नहीं चाहती है कि यहाँ के लोग फले फूले और रोजी रोटी चले, वो चाहते हैं कि ये गरीब गुरबा हो के कहीं रोड पर उतर जाए, कहीं पर भीख मांगे, वो चाहती है सरकार। और उन्हीं के प्रतिनिधि यहाँ पर बैठ के चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि हम गरीबों के साथ है, कैसी राजनीति खेल रही है सरकार बताइए। क्या कहना चाहिए सरकार से? मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगी, आप बोलिए, मैं क्रमबद्ध हाथ जोड़ती हूँ, आप बोलिए, मैं झुक कर आपको कहती हूँ इस बात को कि हाँ, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी चलती थी इस जगह से, इसके लिए एक नियम बनाइए कि सारे बिल्डिंगों को रेगुलाइज कीजिए, और उसके लिए ताकि इन सारी महिलाएं या बेरोजगारों को रोजगार ना छिनाए, बल्कि इन्हें सुव्यवस्थित करके इनका रोजी रोटी कैसे चले, इसके लिए आपको प्लानिंग करनी चाहिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।